ये है वासिम स्क्वायर, दिस इज आवर हाउस, ये था जहाँ रही संबोधी, ये सैयद मोहम्मद तकी का घर, और ये है मानक जी स्ट्रीट। ये गेट था, ये आंगन है जहाँ पर सैयद मोहम्मद तकी, उनकी पूरी फैमिली, भाई वगैरह सब बैठते थे। ये जो आपको घर नज़र आ रहे हैं, यहाँ रईस अमरोही का घर था। यहाँ पर एक गेट होता था जिस पर से हम जाते थे इधर उधर भागते थे। ये लॉन था जहाँ मैं चल रही हूँ। इधर सर्वेंट क्वार्टर्स थे, यहाँ से गेट जाता था, और ये जो घर नज़र आ रहे हैं, यहाँ लॉन में जाता था, फिर आगे घर होता था। ये पेड़ तो उसी ज़माने के हैं। फिर यहाँ पर बाथरूम्स होते थे, यहाँ से एक ऊपर एक, यहाँ से ऊपर वो जाती थी सीढ़ियाँ, वहाँ जाती थी, और वहाँ पर हमारी छत नाना के घर, रईस अमरोही के घर की होती थी। ये कमरे बेडरूम हमारे मामू हैदर मामू का, ये हॉल कमरा, यहाँ सैयद मोहम्मद तकी और उनकी बेगम, इनका बेडरूम है, ये बाथरूम। ये डाइनिंग रूम था, ये छोटा हो गया ऐसे, इससे तो बड़ा याद है मुझे। ये बीच में बुशरा और फरा बच्चों का कमरा, इतना आबाद घर और आज ये हालत है। इस आंगन में बैठ के बहस होती थी, गुफ्तगु होती थी, हर मामले थे। ये किचन, ये किचन है, यहाँ से बाहर जाते थे बरांडे में। ये ड्राइंग रूम होता था, और यहाँ पर इस दीवार पे पूरी किताबों की एक अलमारी होती थी पूरी। यहाँ ये मन्ने मामू एंड फौजिया जी का बेडरूम होता था। इस ये था लॉन जहाँ पर रईस अमरोही, जॉन एलिया, सैयद मोहम्मद तकी, अब्बास उनके बेट भाई जिनको बच्चन कहते थे, वहाँ यहाँ बैठ के उनकी पूरी गुफ्तगु होती थी शाम को। मेरे ख्याल में पूरे कराची के जो फिलोसोफर्स थे और राइटर्स और थिंकर्स सब यहाँ के बैठे। या आफ्ताबी, ये है रईस अमरोही का घर उस तरफ। और ये जो घर नज़र आ रहा है जहाँ एसी नज़र आ रहा है, ये उनका ऑफिस होता था, और यहाँ पर उनको गोली मारी गई थी। यहाँ पर उनका ऑफिस था, यहाँ एक कमरा था उस तरफ, और इधर से एक दरवाज़ा था जब हम जाते थे। ये पिलर जो नज़र आ रहा है, यहाँ से हम जाते थे, छोटा सा लॉन था, फिर फौरन अंदर राइट को एक वो था, और ये इलाका इसके पीछे जो था जहाँ अब मस्जिद बन गई है, वहाँ पर हमारे नाना को गोली मारी गई थी। यहाँ पर बैठते थे, ये पीछे का या आगे, ये टावर, और ये वही आफ्ताबी। यहाँ पर सईदपुर बैठता था, यहाँ एक गेट होता था, और यहाँ भी एक गेट होता था। ये टावर की तरह हम पता हम जाते थे। ये जो है ये उसी ज़माने के हैं। ये और अब तोड़ रहे हैं, आपको आवाज़ें आ रही होंगी ना। ये टावर था जहाँ पर हम फरा और सबको बच्चों को डराते थे।
ये वो टावर है, ये दोनों खिड़कियाँ होती थी, यहाँ से हम लटक लटक के नीचे देख रहे होते थे, ऊपर तक थी। एक इधर है और यहाँ पर फरा दिन में पड़ती थी और रात में हम बच्चे जो थे छोटे बच्चों को डराते थे। कौन सी तस्वीर? हाँ, एक जाने में ये घर भरा हुआ होता था, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अब खामोशी है और अब और फैमिलीज यहाँ पर आके रहेंगी, रहे तोड़ रहे हैं और फिर उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये पेड़ थे उस ज़माने के, ये पेड़ उसी ज़माने के हैं। तो इधर जो ये घर बने हुए, ये यहाँ पर हमारा घर होता था नाना का, रईसम रोवी उस तरफ रहते थे, ये सैयद मोहम्मद तकी का साइड थी। ये दीवार इस तरफ सैयद मोहम्मद तकी, इस तरफ जॉनी अपना रईसम रोवी, और ये हमारा गार्डन होता था। ये पेड़ क्यारियों में, ये वही जगह जो मैंने अभी दिखाई थी जहाँ सब बैठ के बातें करते थे। ये बादाम का पेड़, कई बादाम के पेड़ लगे यहाँ, पहले पपीते लगे हुए थे और यहाँ पर वो बेरी लगी हुई थी जो सड़ गई थी और कट के हमने काट के उसको कटवा दी थी लोगों ने। जहाँ ये नज़र आ रहा है आपको, ये कंटेनर्स, ये प्रेस होता था जहाँ तक, ये सिल्वर गाड़ी खड़ी यहाँ तक, ये यहाँ ये लोग खेलते थे, छत पे खेलते थे, यहाँ पर वो भी पतंग भी उड़ाई जाती थी, उस तरफ हम उड़ाते थे यहाँ पर, क्योंकि सरिये निकले हुए थे तो यहाँ कोई नहीं खेलता था, तो क्योंकि डेंजरस था। सो नाउ वी आर लीविंग एंड अपेरेंटली नेक्स्ट टाइम समबडी कम्स हियर दिस बिल्डिंग इज़ नॉट गोइंग टू बी स्टैंडिंग, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द डेमोलिशन। तो तारीख जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनमें कैप्चर कर लें। रईसम रोवी का घर तो नहीं हम कर पाए कैप्चर, रोजाने में इतने आराम से वीडियोज़ नहीं बन सकती थी क्योंकि वीडियो कैमराज नहीं होते थे, वो 99-2000 में ही तोड़ दिया गया था जस्ट बिकॉज पीपल स्पेशली जॉन एरिया रियली वॉन्टेड हाउस टू बी ब्रोकन। यहाँ तो तार है था, उसका नाम था सईद गुल, तो उसके ना फ्लेमिंग रेड हेयर होते थे, वो इतना डांटता था हम लोगों को। यहाँ पर उसका एक कैबिन था और एक उधर, और हम लोग इसमें से बादाम तोड़ते थे तो बहुत डांट खाते थे उससे। एंड ही वाज द चौकीदार इससे बाय द वे। तो उसका ये है हैदर मामू का ग्राउंड में। और यहाँ फरा बैठ के मैं पढ़ते थे रात जब शाम को ना, और प्रेस चलता रहता था यहाँ पर। यू वांट टू कम? बी केयरफुल। Okay, I'm going to take some pictures. You know, make the video and take some pictures as well with this, okay? Okay. This is in the basement, like under one story underneath the rest of the house. This used to be Heather Mamu's office. Very sad to say goodbye to this house.
बिकॉज ये होने से हमें लगता था अभी है घर, अब ये भी जा रहा है स्टफ। या आई विल जस्ट होल्ड ऑन। इधर इस बिल्डिंग से, इस बिल्डिंग से हम लोग यहाँ बैठे होते थे। इधर से मिस काजमी का घर शुरू हो जाता था। एक खातून यहाँ रहती थी जो बॉल जब जाती थी तो बहुत जली होती थी। अब यहाँ भी फ्लैट्स खड़े हैं। हाँ nice, but I still want ये है इलाका जहाँ बाबा का हमारे नाना का ऑफिस था और यहाँ पर उनको मर्डर किया गया था। दिस इज द कॉर्नर, दिस इज द गली एंड द हाउस फ्रॉम हियर। Kept going, all these houses. ये था. And it kept going. हाँ यही होगा। And it ended with this black car standing where you can see the brick wall. ये जो है ये यहाँ और ये डॉक्टर साहब का घर, इनका भी उसी ज़माने का घर है लेकिन थोड़ा मॉडर्न स्ट्रक्चर है हमारा पुराना था। ये डॉक्टर साहब का घर होता था। मिसेस काजमी का घर शुरू हो गया। इसके बाद कुलसुम मंदिर, ये पत्थर पुराने वाली बिल्डिंग के हैं।